अरे रामेश, गया नहीं अभी तक? तबादले का क्या हुआ तेरे? उसका तो अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन सोचता हूँ कि तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा। मुश्किल वक्त में बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। दीदी, तुमसे मैंने कहा भी था कि मुझे अपने साथ मंदिर लेके जाना, आज फिर भूल गई ना? सुबह दरवाजा पीटती रही, टूटती नहीं, खुद ही चली गई मैं। तुम आखिर कब तक हमारे लिए अपनी खुशियों का गला घोंटती रहोगी? तुम दोनों से ही तो मेरी खुशियां हैं सारी। एक तो तुम बात ऐसे घुमाती हो जैसे। ऐसे क्या? वो नहीं आएगा, मेरा दिल कहता है वो नहीं आएगा। गलतियां मेरी भी तो है ना, मेरी वजह से सब। कुछ गलत नहीं किया तुमने। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तकरार होती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई यूं घर छोड़ के चला जाए। 5 साल दीदी, 5 साल। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, वो नहीं आएगा। मैं भी खुद से यही सवाल कर, ऐसा कब तक चलेगा? कोई जवाब नहीं आता। गाड़ी आ गई तेरी, देर हो जाएगी। लिपस्टिक का नया शेड लिया है, कैसा लग रहा है? पाप है पाप। भेड़िए घूम रहे हैं बाहर ऐसी नारियों को भंगोड़ने के लिए, और हमारा धर्म भी तो इजाजत नहीं देता ना कि शादीशुदा नारी के ऊपर कोई बुरी नजर रखे। लेकिन उसके लिए नारी को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।